हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का नया चैप्टर करेंगे, द फिश टेल। टेल कहानी को कहते हैं। टी ए आई एल का मतलब होता है पूंछ। डीप अंडर द सी सी द लवली कलर्ड फिश स्विमिंग पीसफुली। तो समंदर की गहराइयों में कितनी रंग बिरंगी मछलियाँ जो है इतनी शांति से तैर रही हैं। दिस स्पेशल पोएम इन थ्री लाइन्स इज कॉल्ड अ हाइकू। तो ऐसे तीन लाइंस की पोएम जो होती है, जो नेचर से रिलेटेड होती है, उन्हें जापान में हाइकू कहा जाता है। तो दूसरा हाइकू भी देखिए। द लेक काम स्मूथ स्टिल अ फिश जंप्स अप एंड रिटर्न्स रिपल्स शेप द लेक। तो जो एक लेक है वो शांत है, स्टिल है, एक फिश जंप करती है, इससे क्या होता है, इससे रिपल्स बन जाते हैं। शांत पानी में अगर आप एक पत्थर को फेंकोगे तो उसमें रिपल्स आ जाते हैं। उसी तरह मछलियाँ जो जंप करती हैं तो उससे रिपल्स दिखने लगते हैं। डू यू नो एनी पोएम्स अबाउट फिश? फिश के बारे में अगर आपको कोई पोएम पता है तो आपको ये लिखना है। कुछ ड्राइंग्स देखिए जो छोटे बच्चों ने बनाया है। नव्यता क्लास वन की, उसने ये सुंदर सा ड्राइंग बनाया है फिश का। माया क्लास फोर्थ में पढ़ती है, उसने भी ये प्यारा सा ड्राइंग फिश का बनाया है। तो जब आप फिश के बारे में सोचते हो तो आपके माइंड में कौन कौन से शेप्स आते हैं? जैसे आप इस तरह का कोई शेप तैयार कर सकते हैं, इसी तरह से ऐसे इस तरह का कोई शेप तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ शेप्स हमारे माइंड में आते हैं। ट्राई टू यूज अ स्क्वायर एंड अ ट्राइंगल टू ड्रॉ अ फिश। तो स्क्वायर और ट्राइंगल यूज़ करके आपको फिश ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम शेप्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे ये है स्क्वायर, इसके फोर साइड्स इक्वल होते हैं। ये फोर साइड्स जो होते हैं वो सेम लेंथ के होते हैं, इसलिए इसे स्क्वायर कहा जाता है। जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं, अगर ये साइड और ये साइड ये इक्वल होंगे, ये साइड और ये साइड इक्वल होंगे, तो इसे रेक्टेंगल कहा जाता है। इसके बाद हमारा ट्रायंगल आता है, जिसके थ्री साइड्स होते हैं, इसे ट्रायंगल कहा जाता है। इसके बाद है सर्कल। तो ये शेप्स हमने देख लिया है, अब हमें इन शेप्स में से स्क्वायर और ट्रायंगल यूज़ करके फिश बनाना है। स्क्वायर इस तरह का होता है, लेकिन इस तरह से तो हम फिश नहीं बना सकते, इसलिए इसको थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं। ये स्क्वायर बन गया और इसके बाद एक छोटा सा ट्रायंगल हमने दे दिया और यहाँ पे फिश की आंखें बना दी। तो ये हमारा स्क्वायर और ट्रायंगल से फिश तैयार हो गया। लुक फॉर फिश डिज़ाइंस अराउंड यू ऑन क्लोथ इन पेंटिंग्स ऑन मैट्स एक्सेट्रा। तो अपने आसपास भी आप फिश के डिज़ाइंस देखिए, क्लोथ में, पेंटिंग्स में, मैट्स में आप देख पाएंगे। बहुत सारे फिश के डिज़ाइंस आपको दिखेंगे, जैसे इस गर्ल की स्कर्ट में भी है। मीन का मतलब होता है मछली, मीनाक्षी, आक्षी का मतलब है आंखें, तो मछली के आंखों जैसी लड़की। इस तरह के किसी इंसान को आप जानते हैं जिनकी आंखें मछली जैसी होती है, तो आपको उसका फेस ड्रॉ करना है। फिशेस कैन हैव वेरी डिफरेंट साइजेस। फिशेस के कई साइज होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग मतलब लंबे, तो कुछ 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। हाउ लॉन्ग इज़ द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन? तो सबसे बड़े फिश की लंबाई कितनी हो सकती है? बड़े फिश की लंबाई 18 मीटर तक हो सकती है। अब पूछा गया है हाउ मैनी टाइम्स लॉन्गर इज़ योर बिग फिश देन द स्मॉलेस्ट फिश। तो आपका जो बड़ा फिश है जो कि 18 मीटर है और जो स्मॉलेस्ट फिश है जो कि 1 सेंटीमीटर है, तो कितना लंबा है आपका जो बिग फिश है वो स्मॉलेस्ट फिश से कितना लंबा है? तो अगर लंबाई की बात करें तो हमें पहले ये यूनिट सेम करना पड़ेगा। अगर ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है तो हमें पता नहीं लगेगा कि कितना बड़ा है, ठीक है? तो चलिए हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। स्मॉलेस्ट फिश 1 सेंटीमीटर है, जो बिगेस्ट फिश है 18 मीटर है। हमें पता है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। 18 मीटर कितना होगा? 18 मीटर होगा 18 into 100, तो कितना हो जाएगा 1800 सेंटीमीटर। तो देखिए स्मॉलेस्ट फिश 1 सेंटीमीटर है और बिगेस्ट फिश 1800 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है जो बिगेस्ट फिश है वो 1800 सेंटीमीटर लंबा है स्मॉलेस्ट फिश से।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द बिगेस्ट फिश इज द व्हेल शार्क। व्हेल शार्क सबसे बड़ा फिश है। इट इज़ एक्चुअली नॉट अ व्हेल बट इज़ अ बिग बिग फिश। ये एक्चुअली व्हेल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मछली है। व्हेल्स फिश से अलग होते हैं। व्हेल्स और फिश में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है? व्हेल्स हमारी तरह नाक से ही सांस लेते हैं, वो हमारी तरह ही इंसानों की तरह ही बच्चों को जन्म देते हैं, जबकि फिश सांस नहीं लेते हैं। जबकि फिश उनके नाक नहीं होते हैं, वो वाटर अपने अंदर लेते हैं, हमारी तरह वो ऑक्सीजन नहीं लेते या हवा नहीं लेते। जिस तरह से व्हेल्स बच्चों को जन्म देते हैं, फिश अंडे देते हैं। व्हेल शार्क जो होते हैं वो बहुत बड़े और डेंजरस दिखते हैं, लेकिन वो हार्मलेस होते हैं, उनसे इतना खतरा नहीं होता है, ये इंसानों पर अटैक नहीं करते। अब हमारा क्वेश्चन है, वन व्हेल शार्क वॉज एज लॉन्ग एज 18 मीटर। एक व्हेल शार्क जो थी वो 18 मीटर लंबी थी। जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग दैट इज, ऑलमोस्ट 12 चिल्ड्रन ऑफ योर साइज स्टैंडिंग वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। सोचिए कितनी लंबी होगी वो। मान लीजिए 12 बच्चे एक के ऊपर एक अगर खड़ा कर दिए जाए तो उतनी लंबी होगी ये व्हेल शार्क की हाइट, व्हेल शार्क की लंबाई। एंड गेस व्हाट इट वेट, और सोचिए तो इसका वजन कितना होगा? वेल मच मच मोर देन व्हाट 12 ऑफ यू टुगेदर वे। जितने 12 बच्चों का कुल मिलाकर वजन होगा उससे भी कहीं ज़्यादा इस व्हेल शार्क का वजन होगा। इसका वजन था 16,000 kg। अबाउट हाउ मैनी किलोग्राम्स डू यू वे, आपका वजन कितना हो सकता है? आपका वजन 35 kg हो सकता है। सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल वे अबाउट, तो आपके वजन के 12 बच्चों का अगर वेट लिया जाए, अगर वजन मापा जाए तो कितना होगा? मान लीजिए एक बच्चे का वेट ऑफ वन चाइल्ड 35 kg है, वेट ऑफ 12 चिल्ड्रन, 12 बच्चों का वेट कितना होगा? एक का वज़न हमें पता है तो 12 बच्चों का वज़न निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें 35 × 12 करना पड़ेगा। 35 × 12 होता है 420 kg। kg का मतलब किलोग्राम। अबाउट हाउ मच मोर डज द व्हेल शार्क वे देन 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर। जैसे 12 बच्चों का वेट 420 है, व्हेल शार्क का वेट कितना ज़्यादा होगा? इसका मतलब आपको यहाँ पे कंपैरिजन दिया गया है। वेट ऑफ व्हेल शार्क, व्हेल शार्क का वेट कितना हमने देखा था? वेट ऑफ व्हेल शार्क 16,000 यहाँ पे हमें दिया गया है। वेट ऑफ व्हेल शार्क 16,000 kg। वेट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का वेट कितना दिया गया है, कितना हमने निकाला था? हमने निकाला था 420 kg, है ना। अब हमें कंपेयर करने को कहा गया है कि कितना ज़्यादा है, तो हमें डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस में 16,000 को आप माइनस करेंगे 420 से, तो माइनस करने पर आता है 0,8,5,5,1। तो ये है हमारा आंसर, 15,580 kg। तो ये जो छोटी मछलियाँ होती है, ये बड़ी मछलियों को डराने के लिए बहुत सारा पानी पी जाती है, जिससे कि ये फूल जाती है और बड़ी दिखने लगती है। इससे ये बड़ी मछलियों को डरा कर दूर भगा देती है। नेक्स्ट है, फिशरमैन इन देयर बोट्स। अब हम बोट्स के बारे में देखते हैं। हाउ मैनी ऑफ यू हैव सीन द सी, आप में से कितनों ने समंदर देखा है? आप में से कई बच्चों ने देखा होगा। जब आप पूरी के ट्रिप में जाते हो या मुंबई जाते हो, आपने समंदर देखा होगा। तो वेयर डिड यू सी इट, आपने कहाँ देखा है, इसे आपको लिखना है। डिड यू सी इट इन अ मूवी और फॉर रियल, आपने मूवी में देखा है या सच में देखा है। हाउ डीप डू यू थिंक द सी कुड बी, सी कितना डीप हो सकता है? 1,000 feet के लगभग हो सकता है। डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या तैरना आता है? वुड यू बी स्केयर्ड ऑफ द हाई सी वेव्स, क्या आपको समंदर की ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी लहरों से डर लगता है? हाउ हाई डू यू थिंक द वेव्स कैन गो, आपको क्या लगता है ये लहरें कितनी ऊंची जा सकती है? लगभग 50 meters वो ऊंची जा सकती है। इमेजिन दैट देयर आर फिशरमैन इन देयर बोट्स, मान लीजिए कि फिशरमैन अपने नाव में हैं, गोइंग अप एंड डाउन विद द वेव्स, ऊंचे नीचे बहाव के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। दे स्टार्ट देयर ट्रिप व्हेन इट इज स्टिल डार्क, तो इन्होंने अपना जो सफ़र इन्होंने शुरू किया था अंधेरा रहते ही। सम गो ऑन ए सिंपल बोट मेड फ्रॉम लॉग्स ऑफ वुड टाइड टुगेदर, कुछ तो सिंपल बोट्स में ही चल पड़े हैं, जो कि लॉग है, एक वुड का लॉग है, वुड का पट्टा है, जिसके दो तरफ रस्सियों से बांधा गया है।
अगर लहरें बहुत तेज़ हुई, बहुत हवा चली, बहुत तेज़ हवा चली, देन द फिशरमैन हैव अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, तो फिशरमैन के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो दीज लॉग बोट्स डू नॉट गो वेरी फार, ये जो लॉग बोट्स हैं ये बहुत दूर नहीं जाते। इफ़ द विंड इज़ हेल्पफुल, क्योंकि ये हवा के सहारे ही आगे बढ़ते हैं, तो विंड अगर हेल्पफुल रही, अगर विंड ने इनकी हेल्प की, तो दे ट्रैवल अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 आवर, तो वो 1 घंटे में 4 किलोमीटर ट्रैवल कर पाएंगे। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर? अब हमें बताया गया है कि 1 आवर में वो 4 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे, तो 10 किलोमीटर कितने आवर में ट्रैवल करेंगे ये हमसे पूछा गया है। तो 1 आवर में ये 4 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे, 2 आवर में ये 4 × 2 = 8 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे। हमसे पूछा गया है कि कितने आवर में ये 10 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे। हमने 8 किलोमीटर निकाल लिया है, अब हमें 10 किलोमीटर की ज़रूरत है। तो अगर हमने 1 आवर देख लिया, हमने 2 आवर्स देख लिए, अगर हम 3 आवर्स में जाएँ तो हमें क्या मिलता है, ये तो 12 हो जाएगा, जबकि हमें 12 की तो ज़रूरत ही नहीं है, हमें ज़रूरत है 10 किलोमीटर की। तो हाफ आवर में बोट ट्रैवल करेगी, 1 आवर में 4 और हाफ आवर में 4/2, इसको काटते हैं 2 निकल आया हमारा, ये 2 किलोमीटर। और अब देखिए ये 8 + 2 कितना होता है, 8 किलोमीटर + 2 किलोमीटर ये होता है हमारा 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर कितने घंटे में, 2.5 आवर में, 2.5 आवर में ये 10 किलोमीटर ट्रैवल करेगी। गेस हाउ फार यू कैन गो इन 1 आवर इफ़ यू वॉक फास्ट, तो आप 1 घंटे में कितनी दूर जा सकते हैं अगर आप तेज़ तेज़ चले, तो 5 किलोमीटर तक आप जा ही सकते हैं। फिशरमैन कैन फील द विंड एंड लुक एट द सन टू फाइंड आउट विच वे टू गो, फिशरमैन विंड को फील करते हैं और सन को देखते हैं और पता लगा लेते हैं कि किस तरफ जाना है। वॉट अ कैच, आउट ऑन द सी फिशरमैन लुक फॉर अ प्लेस वेयर दे होप टू फाइंड अ गुड कैच ऑफ फिश, समंदर में फिशरमैन ऐसी जगह की तलाश में रहते हैं जहाँ उन्हें उम्मीद हो कि बहुत ज़्यादा मछली वो पकड़ पाएंगे। देयर दे स्प्रेड देयर नेट्स, मछुआरों के पास जो जाल होते हैं मछली पकड़ने के लिए उन्हें वो फैला लेते हैं। दे विल हैव टू वेट फॉर मैनी आवर्स फॉर द फिश टू कम इन टू देयर नेट्स, उन्हें बहुत घंटे तक, कई कई घंटे तक वेट करना होता है ताकि मछलियाँ जाल में फंस सके। लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट्स, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट्स देखिए यहाँ पे, सम बोट्स हैव मोटर्स एंड गो फर्दर इनटू द सी, कुछ बोट्स के मोटर्स होते हैं, इंजन होते हैं जो सी के, समंदर के बहुत अंदर तक जा सकते हैं। सिंस दे गो फार आउट दे कैन कैच मोर फिश, क्योंकि वो बहुत अंदर तक जा सकते हैं, वो बहुत सारी मछलियाँ भी पकड़ सकते हैं। दीज बोट्स ट्रैवल फास्टर एट द स्पीड ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर इन 1 आवर, लॉन्ग बोट 1 आवर में 4 किलोमीटर तक जा सकता था, जबकि ये जो मोटर बोट होते हैं ये 1 आवर में 20 किलोमीटर तक जा सकते हैं। हाउ फार वुड द मोटर बोट गो इन 3.5 आवर्स, 3.5 आवर्स में ये मोटर बोट कितनी दूर पहुंच जाएंगे, कितने किलोमीटर चले जाएंगे। 1 आवर में ये मोटर बोट जाते हैं 20 किलोमीटर, 2 आवर में ये जाएंगे 20 × 2 = 40 किलोमीटर, लेकिन हमसे पूछा गया है 3.5 आवर में, तो पहले 3 आवर का निकालते हैं, 3 आवर में ये जाएंगे 20 × 3 तो 60 किलोमीटर, ये 60 किलोमीटर तक जाएंगे, और हाफ आवर में इसको 20/2 करना पड़ेगा, तो अगर हम काटें तो इसको 2×10=20, तो इसका मतलब है 10। इसको आप मेंटली भी कर सकते हैं, 20 का हाफ निकाल लीजिए 10 होगा, 3 आवर का है 60 और हाफ आवर का है 10, तो 60 + 10 = 70 किलोमीटर, तो 3.5 आवर में ये 70 किलोमीटर तक चला जाएगा। अब कई तरह के बोट्स दिखाए गए हैं, जैसे मोटर बोट, यहाँ पे देखिए मोटर बोट है, दूसरी और मोटर बोट है, लॉन्ग टेल बोट है, बिग मशीन बोट है। बट द फिशरमैन आर नाउ वेरी वरीड, देर आर सम वेरी बिग मशीन बोट्स इन द बिजनेस, अब फिशरमैन बहुत चिंतित है क्योंकि बड़े बड़े मशीन बोट्स आ गए हैं जो कि बहुत अंदर तक और बहुत स्पीड में जा सकते हैं। दे गो फार आउट एंड पुट द बिग नेट्स डीप इन द सी, क्योंकि वो बहुत अंदर तक जाकर बहुत सारी मछलियों को पकड़ कर ला सकते हैं। तो दिस बिग मशीन बोट्स ऑल्सो कैच द स्मॉल बेबी फिश, ये जो बड़े बड़े मशीन बोट्स हैं ये छोटी छोटी मछलियों को भी पकड़ लेते हैं जो कि अभी बढ़ने वाले हैं, जो कि अभी ग्रो करने वाले हैं। फिशरमैन इन द स्मॉलर बोट्स ऑलवेज लेट द बेबी फिश पास थ्रू देयर नेट्स टू गो बैक इनटू द सी, जो फिशरमैन होते हैं छोटे छोटे नाव से जो मछलियाँ पकड़ते हैं वो छोटे छोटे बेबी फिशेस को वो जाने देते हैं समंदर में, वो पकड़ते नहीं हैं, वो जाने देते हैं,
दे चूज द नेट साइज इन सच अ वे दैट ओनली द ग्रोन अप फिश वर कॉट। वो इस तरह के जालों को चूज करते हैं जिससे कि बड़ी मछलियों को ही पकड़ सके, छोटी मछलियाँ उनके जालों में ना फंस सके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है विच बोट गेट्स हाउ मच। इन वन ट्रिप द लॉग बोट ब्रिंग्स अबाउट 20 kg ऑफ फिश बट अदर टाइप्स ऑफ बोट्स ब्रिंग अ बिगर कैच एज गिवन इन द टेबल। तो अब टेबल को देख लेते हैं। अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 trips। तो यहाँ पर टाइप ऑफ बोट दिया गया है, वन ट्रिप में वो कितने फिशेस पकड़ सकते हैं, कितने kg फिशेस पकड़ सकते हैं, और बोट की जो स्पीड है वो भी दी गई है। तो यहाँ पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 trips। तो जैसे ये लॉग बोट वन ट्रिप में 20 है, तो 7 trip में 20 × 7 तो आंसर आ जाएगा 140। लॉन्ग टेल बोट 600 है, तो 600 × 7 तो इसको भी आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 4200 या 4200। तो मोटर बोट को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 800 × 7 560 kg। मशीन बोट 6000 है, वन ट्रिप में 6000 kg फिश पकड़ के लाते हैं मशीन बोट, तो 6000 × 7 42000 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट हाउ फार कैन ए मोटर बोट गो इन 6 hours। तो जिस तरह से यहाँ स्टार्ट में दिया गया है कि लॉग बोट 1 hour में 4 kilometers जाते हैं, लॉन्ग टेल बोट 1 hour में 12 kilometers, मोटर बोट 1 hour में 20 kilometers पर आर, और मशीन बोट 1 hour में 22 kilometers। तो उसी तरह से पूछा गया है कि 6 hours में ये कितने दूर जाएंगे। इसका फॉर्मूला जैसा है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। हमसे पूछा गया है कितनी दूर जाएंगे, सबसे पहले आप स्पीड देख लीजिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्पीड ऑफ द बोट, तो स्पीड है 4। टाइम क्या पूछा गया है कि 6 hours में ये कितनी दूर जाएंगे, तो टाइम है 6, तो 6 × 4 = 24, तो डिस्टेंस हमारा आ जाएगा 24 kilometers। तो इस तरह से आपको बाकी सारे निकालने हैं, जैसे 12 kilometers है, 12 × 6 = 72 kilometers। फॉर्मूला सेम रहेगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। इफ़ ए लॉन्ग टेल बोट हैज़ टू ट्रेवल 60 kilometers, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। अगर लॉन्ग टेल बोट है उसको 60 kilometers जाना है तो कितना टाइम लेगी। तो अब जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला है वो है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमसे पूछा गया है लॉन्ग बोट हैज़ टू ट्रेवल 60 kilometers। देखिए डिस्टेंस का हमें पता लग गया क्या 60 kilometers, और स्पीड हमें इस चार्ट में दिया गया है लॉन्ग टेल बोट का 12 kilometers एक घंटे में, तो डिवाइडेड बाय 12। तो अब हमें टाइम का पता लगाना है, तो जब हम इससे इसको कट करेंगे तो ये होगा 12×5=60। तो इसका मतलब है कि लॉन्ग टेल बोट को 5 घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे 60 kilometers जाने में। तो अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी क्वेश्चंस को देखेंगे। बाय स्टूडेंट्स।